40 से 50 पाउंड तक आप लोग लीन मास। और यहाँ पे हम पहुंच गए बोरा बाजार में। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए कंटेंट के साथ। अगर आप लोगों ने कल का कंटेंट मेरा नहीं देखा है तो जाओ जाके जल्दी देखो। कल मैंने पुल किया था, आज मेरा लेग्स डे है, तो आज लेग्स डे में भी एकदम ब्रूटल लेग्स डे करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो ये जो बॉटल दिख रही है आपको, ये 1 लीटर 100 ग्राम का है, ठीक है। और ये बॉटल पूरा मैं सुबह को ख़त्म कर देता हूँ। सुबह को आप लोग 1 लीटर तक पानी ख़त्म करना और आप लोग अपने बॉडी में बेनिफिट देखना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इतने अच्छे शू को मेरी माँ ने धो के रख दिए, देखो नाइकी का शू कौन धोता है क्या। और आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जाके पहले सब्सक्राइब का बटन दबाओ। नीचे जो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन रहेगा उसके ऊपर दबाओ, वो एकदम फ्री होता है, कोई आपको पैसे देने के चार्जेस नहीं है। तो आप लोग वीडियो देख के चले जा रहे हो, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हो। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो जाओ जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, मैं वहाँ पर बहुत सारे रील्स डालता हूँ। ऑलराइट गाइस, माय एवरीडे मॉर्निंग रूटीन, I added 2 banana. Why 2 banana? Because yesterday मैंने oats के साथ dry fruits लिया था और जब मैं workout कर रहा था मेरे ऊपर आ रहा था वो, तो मेरा digest नहीं हुआ था सही से, तो उसको dry fruits को digest होने के लिए काफ़ी time लगता है, इसलिए मैंने oats और banana ले लिया हूँ आज के दिन। Breakfast करने के बाद मैं लेता हूँ वाउ का fish oil लेता हूँ, multivitamins लेता हूँ मसल ब्लेस का, और ये मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है अश्वगंधा, तो ये तीनों मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट लेता हूँ। अभी बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए अभी फटाफट टॉपिक पे आता हूँ मैं, लेट्स गो। तो आज का टॉपिक है हाउ मच मसल यू कैन ग्रो नेचुरली, तो आप कितना मसल ग्रो कर सकते हो नेचुरली। लीन मसल की मैं बात करूँगा, ओवरऑल मसल की बात नहीं करूँगा, सिर्फ लीन मास की मैं बात करूँगा। तो आप पूरे लाइफ टाइम में आपके 40 से 50 पाउंड तक आप लोग लीन मास गेन कर सकते हो। 40 से 50 पाउंड मतलब आप समझिए अप्रोक्सीमेटली 25 केजी तक आप लोग लीन मास गेन कर सकते हो। तो आप लोग अगर उतना मास, अगर लीन मास गेन कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लुक आपको आएगा। मैं खुद अभी 6 साल से जिम कर रहा हूँ, अराउंड 6 साल से, बट बीच बीच मैंने छोड़ दिया था और पहले ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था फिटनेस के बारे में और कैसा वर्कआउट करना है, मसल को कैसा ट्रेन करना है, कुछ ऐसा आइडिया नहीं था तभी मुझे, ना तभी पता था क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना प्रोटीन लेना है ये दिन में, कुछ भी तभी आइडिया नहीं था। तो इसीलिए मैं कहा मेरा तभी कुछ बॉडी नहीं बनता था, तो पहले के ईयर्स सारे वेस्ट हो गए मेरे। तो अभी जितना भी मतलब ये जितना भी मैंने थोड़ा बहुत गेन किया हूँ, बॉडी बनाया हूँ, ये ज़्यादा टाइम में नहीं बनाया, ऑलमोस्ट सिर्फ 6 महीने में बनाया, बट मेरा मसल मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छा था तो इसीलिए मैंने फटाफट गेन किया और बॉडी बनाया और थोड़ा आइडिया आ गया था कि कैसा वर्कआउट करना है और क्या खाना है। तो आप लोग को बता दूँ आपको प्रोटीन इंटेक कैसा लेना है। आप जब भी दिन में प्रोटीन इंटेक लेते हो, जिम के बाद लेते हो, तो आप लोग 2-2 घंटे छोड़ के आप लोग 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन लेना, तो कोई मतलब नहीं बनता है ज़्यादा प्रोटीन खाने का एट अ टाइम। तो मैंने बोला आप लोग को कि आप लोग इतना मसल आप लोग बना सकते हो, आप लोग 50 पाउंड तक मसल आपके लाइफ टाइम में गेन कर सकते हो, बट आप लोग फिर सोचोगे अरे बाप रे लाइफ टाइम मुझे लग जाएगा इतना गेन करने के लिए, बट ऐसा नहीं है ब्रो। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, डाइट फॉलो करते हो और आप लोग प्रोटीन लेते हो इंटेक अच्छे से, तो आपका बॉडी जल्दी भी बन सकता है। और मैंने सिर्फ लीन मास की बात किया था, लीन मास जो अपने बॉडी में रहता है उसको ज़्यादा टाइम लगता है ग्रो होने के लिए, जो नॉर्मल अपने बॉडी में मसल मास रहता है वो फटाफट ग्रो हो जाते हैं, जो लीन मास की मैं बात कर रहा था उसको टाइम लगते हैं बस। और मेरा चैनल इज़ ऑल अबाउट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और मैं हमेशा नेचुरली सबको रहने बोलता हूँ, किसी को स्टेरॉयड लेने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली भी बहुत अच्छी बॉडी बन सकती है। मैं खुद अच्छा बॉडी बना रहा हूँ और अभी भी और बनाने वाला हूँ अच्छी बॉडी, एकदम फिजिक को अपना बहुत अच्छा बनाने वाला हूँ। सो वेट एंड वॉच। सो अभी जिम जाने का टाइम हो चुका है मेरा, तो अभी जिम जाते हैं और आज लेग्स मारना है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोग ने मेरा वर्कआउट देखा होगा, मैं एकदम रेंज ऑफ मोशन में मारता हूँ और बहुत ही स्लो मारता हूँ मैं, ताकि बॉडी का जो मसल है वो फटीग हो जाए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्न फील करे। आप लोग का जब भी बर्न फील करेगा और वो मसल फटीग होगा तभी देखना आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा उधर, और तभी देखना आप लोगों खुद को फील होगा कि वहाँ पे मसल बन रहे हैं। I work like I
got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. काफ़ी दूर लेंस पकड़ी है, 50 mm लेंस मैंने यूज़ किया अभी। आज का वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ है। लेग्स का वर्कआउट था आज, मैंने एक दो पार्ट मैंने छोड़ दिया। आज मैं लंजेस मारना भूल गया था, तो कैसे भूल गया मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। बट मैंने 3 मेडिटेशन मारा हूँ लेग्स का, एक दिन कॉर्स मारता हूँ और एक दिन हैमस्ट्रिंग और लाफ्स मारता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लेग्स एक नंबर बनता है उसमें। कितने के बाद घर पर जाता हूँ, घर पर जाके आप लोग से बात करता हूँ। सो ये है मेरा दोपहर का मील, थोड़ा सा चिकन, एक फ़िश और बाकी जो भी घर पे बनता है, दो चपाती, थोड़े से राइस और ये पता नहीं कौन सा सब्जी है। सो आप लोगों ने देखा ये दोपहर का मेरा मील था और चिकन मैंने ज़्यादा नहीं लिया हो, क्योंकि चिकन थोड़ा सा लिया हो और मैंने एक फ़िश लिया हो तो ये दोनों में से मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। तो प्रोटीन तो मैंने 2 घंटे पहले लिया था, फिर से अभी प्रोटीन ले रहा हूँ। जैसे ही हमने खाना खाया वैसे ही हम निकल गए बोरा बाज़ार के और यहाँ पे हम पहुँच गए बोरा बाज़ार में अपना ट्राईपोड ठीक करवाने के लिए। हमने फिर उसके बाद ट्राईपोड के दुकान में ट्राईपोड को दे दिया और वहाँ से हम निकल गए। अभी हम रास्ते में जा ही रहे थे और हमें याद आ गया कि कुछ सामान लेना है। हम रुके हैं क्रॉफर्ड मार्केट के एरिया में, वहाँ से ले रहे हैं हम मखाना और हम ले रहे हैं डेट्स। ये चीज़ मेरी मम्मी को चाहिए था तो हम रुक के वहाँ पे लेके अब जा रहे हैं हम घर की ओर। सो अभी जस्ट मैं बाहर से आया हूँ। आप लोग ने देखा बोरा बाज़ार गया था, ट्राइपॉड मेरा टूट गया था तो इसीलिए मैं गया था। आज का जो वीडियो आप लोग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके नीचे बताना। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।